हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद प्रिंसी पर। आप लोगों को मालूम ही हो कि मैं टेंथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है। मैंने 3 टेंसेस की मेरी वीडियो आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखिए। आज मैं बताने वाली 5 इंडेफिनिट टेंस। 5 इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जिसे हम बीता हुआ कल कहते हैं, यानी जो बीत चुका उसे पास्ट होता है, यानी भूतकाल। जो बीत चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं या उसके पास्ट टेंस बोलते हैं। तो हम आज आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश में 5 इंडेफिनिट टेंस, जो इंडेफिनिट के प्रकार के सारे टेंस बताने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहचान, इसकी पहचान होती है ताथा, तीथी, तेथे, आ, ई, ए, या आदि शब्द आते हैं कहाँ पर, वो भी बाकी के अंत में आते हैं अगर, तो हमें उसकी पहचान मिल जाती है, यानी वो कौन से टेंस कहलाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसकी सहायक क्रिया होती है डिड। क्या सहायक क्रिया होती है इसकी? डिड होती है, ओनली वन होती है, जो सभी ऑल सब्जेक्ट के साथ लगती है, यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ ये डिड आती है। तो जैसे हम देख सकते हैं राजा घर गया, यानी गया, यानी मतलब वो पहले हो चुका, यानी वर्तमान से पहले कोई काम हो जाता है उसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस। तो बीत चुका यानी राजा वेंट होम, यानी गया को बोलते हैं गो। गो का सेकंड फॉर्म आया वेंट। ये क्यों आया ये हम आगे समझते हैं कि क्यों आया इसमें सेकंड फॉर्म। रानी हरिद्वार में रहती थी, तो रानी लिव्ड इन हरिद्वार। ओके, समझ में। अब हम समझते हैं कि क्यों आता है ये अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव टेंस जिसमें मतलब वो होते हैं जिसमें नॉट नहीं, क्या, कब, क्यों, कैसे, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं आते, उन्हें हम अफर्मेटिव टेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव टेंसेस में हमेशा ध्यान रखना कि मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगते हैं, यानी मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगती है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसका ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये होता है इसका ऑर्डर। तो अब हम टेंस देखते हैं। राखी उससे लड़ती थी, देखिए ताथा आया यानी कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, यानी वो पहले लड़ती थी। तो क्या आएगा, राखी, लड़ना मीन्स होता है फाइट। फाइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइट टेंस। ए हिम, यानी राखी फाइट हिम। ए गुंजन नृत्य करती थी, तो क्या आएगा, गुंजन, डांस मीन्स होता है नृत्य करना, तो डांस मीन्स पूरा होता है, तो क्या लग जाएगा, ईड, यानी इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। वे बैठते थे, तो दे, सिट का सेकंड फॉर्म होता है सैट। ओके, तो ये हमारे टेंसेस बन गए इस तरीके से। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं वर्ड आता है, यानी नो, नॉट, नेवर, ये वर्ड्स आते हैं बीच में, तो उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमने आपको पढ़ाया था। इसका ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है इसका, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आता, यानी इसमें क्या लग जाती है, मेन वर्ब आ रही है यहाँ पर, बोल रही थी मैं, डिड मतलब आती है तो डिड के साथ नॉट लगता है। ओके, यहाँ पर मेन वर्ब में कोई भी नहीं आता, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे हम देखते हैं बे नहीं हंसते थे। ओके, इसे मैंने ये टेंस देख लिया। सेकंड ले लेती हूँ, मैंने साड़ियाँ खरीदी। ओके, ये टेंसेज हैं, साड़ियाँ नहीं खरीदी, थोड़ा सा मिसटेंस हो गया था। तो दे, दे के लिए क्या आएगा, दे, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, हंसना किस में से होता है, ला। ओके, सेकंड फॉर्म है आई, डिड नॉट खरीदना, बाय, सेकंड फॉर्म में ही आएगा ध्यान रखना साड़ियाँ, यानी साड़ी। ओके, मतलब साड़ी खरीदी यानी साड़ियाँ। ओके, अब आ जाएगा, हम देखते हैं अफर्मेटिव इंटरोगेटिव टेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आपको इंटरोगेटिव की स्पेलिंग पता है, इंटरोगेटिव की सेंटेंस की स्पेलिंग ज़्यादातर लोग रॉन्ग लिखते हैं, तो आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई क्या होती है, ये होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इसको हम पहचानते हैं सेंटेंस को, ये क्या वर्ड से शुरू होता है टेंस, क्या वर्ड से स्टार्ट होता है। ओके, होता है इसकी क्या होती है, इसकी ऑर्डर इसका होता है, पहले इसमें आ जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर प्लस अदर्स। अब हम देखते हैं क्या, इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्या नैना स्कूल गई, यानी पहले मतलब उसकी बात हो रही है तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या नमन आज घर आएगा, सॉरी आया। ओके, ये टेंसेस है हमारे।
क्या लगेगा, पहले क्या है तो क्या होगा, डिड, सब्जेक्ट क्या है इसमें, नैना, जाना है, गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। ओके नेक्स्ट है तो डिड नमन, डिड नमन कम मिस होता है आना, कम एट होम टुडे। ओके ये हमारे टेंसेस बन गए सारे। अगर आप देखिए ये बन गए, अब हमारे बचते हैं डबल इंटरवेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब हम पढ़ते हैं डबल इंटरवेटिव सेंटेंस। डबल इंटरवेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो बाकी के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, अब आप पूछोगे तो डब्ल्यू एच वर्ड मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, अब फिर से बता रही हूँ क्या कब क्यों कैसे वर्ड्स, यानी डब्ल्यू व्हाट व्हाई व्हेन वेयर ये वर्ड्स बीच में आते हैं तो हम उन्हें डबल इंटरवेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम इसका ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर हमारा क्या होता है, सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके ये होता है इसका टेंस। अब हम देखते हैं बहे, एग्जाम्पल देखते हैं, बहे कहाँ जाता था। ओके क्वेश्चन मार्क आएगा, बे क्या बात कर रहे करते थे, ये हमारे टेंसेस हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले कहाँ है यानी डब्ल्यू एच वर्ड क्या आएगा, इसकी मीनिंग क्या होती है वेयर, फिर क्या आएगा डिड ही गो, ये हमारा टेंस बन गया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, बे क्या बात कर रहे थे, तो क्या करिए क्या आता है, व्हाट डिड दे, बात करना पूरा होता है टॉकिंग। ओके टॉक मीन्स होता है बात करना, क्वेश्चन मार्क ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल सी सेंटेंसेस थे, कैसे हम बना सकते हैं, मैंने ये सारी वीडियोज में आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपने पहली वीडियोज नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उन्हें आप जरूर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना जरूर जरूर कर लेना। अब आप ऐसे ही टेंसेस और बना सकते हैं कि वे कहाँ जाते थे, राम कहाँ जाता है, राम क्यों नहीं आया, राम कैसे गया, ये सारे सेंटेंसेस अब आप बना सकते हैं। अब आपके इसकी प्रैक्टिस करना मत पर और आप मुझे बताना, कमेंट करना मत भूलना कैसी लगी आपको वीडियो।